कोलकाता आरजेकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले का एक महीना पूरा हो गया है। एक महीने के बाद भी लोग इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को कोलकाता की सड़कों पर लोग उतरे और ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाए जाने की मांग और ज्यादा तेज कर दी। कोलकाता के लोगों ने 999 नाम से हो रहे प्रदर्शन के तहत रैलियां निकाली और सोमवार रात 9 बजते ही 9 मिनट के लिए इकट्ठा हो गए। कोलकाता की सड़कों पर लोग राष्ट्रगान गाते हुए श्याम बाजार, न्यू टाउन, जावतपुर, आठवीं टर्मिनस के अलावा पड़ोसी शहर हावड़ा के बल्ली और मंदिर तला में 9 मिनट के लिए इकट्ठा हुए। यादवपुर की रैली में शामिल होने कॉलेज की छात्रा उषा डी ने कहा है कि हमने विरोध प्रदर्शन को प्रतीकात्मक रूप से 999 नाम दिया है। हमारी बहन पर ठीक एक महीने पहले 9 अगस्त को क्रूर हमला हुआ था। हम केवल उसके लिए न्याय चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने 9 मिनट तक मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की और दोषियों को सजा देने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। इस बीच CGI के आदेश के बाद क्या डॉक्टर काम पर लौटेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आरजेकर मामले की सुनवाई के दौरान CGI DY चंद्रचूड़ ने सभी डॉक्टर से मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने को कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। सीनियर डॉक्टर्स ने सोमवार शाम को कहा है कि मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद वे काम नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वे मंगलवार दोपहर को सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन तक एक रैली भी निकालेंगे और इसकी तस्वीरें भी हमने देखी। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स वापस नहीं लौटेंगे। एक प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने यहाँ पर अपने शासी निकाय की एक बैठक के बाद कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं और मृतका को न्याय नहीं मिला है, यानी कि इंसाफ नहीं मिला है। हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और काम पर नहीं लौटेंगे। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सचिव और DHE अपना इस्तीफा दें। हम कल दोपहर को स्वास्थ्य भवन तक रैली भी निकालेंगे। जूनियर डॉक्टर पिछले करीब एक महीने से काम पर नहीं लौटे हैं। इससे पहले डॉक्टर्स को काम पर तत्काल लौटने के दिशा निर्देश देते हुए सोमवार को कहा गया कि विरोध प्रदर्शन कर्तव्य की कीमत पर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज भी हमने देखा कि किस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से स्वास्थ्य सचिव के इस्तीफे की मांग की गई है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि CGI की तरफ से क्या कहा गया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के दिशा निर्देश दिए और उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वे काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आरजेकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ कथित रूप से दुष्कर्म के बाद जिस तरीके से उस डॉक्टर बेटी की हत्या कर दी गई थी, इस घटना को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन लगातार हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो अपने काम पर लौट जाएं। आपको ये भी बता दें कि महिला डॉक्टर का शव 9 अगस्त को सेमिनार हॉल में मिला था। कोलकाता पुलिस ने अगले दिन इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन अभी भी इंसाफ की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। News 18 India चौपाल एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ News 18 India चौपाल देखिए सिर्फ News 18 India पर।